हेलो फ्रेंड्स, ये है कच्चा केला। आज की हमारी रेसिपी बनने वाली है कच्चे केले से। बहुत ही यम्मी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनने वाली है, तो इसलिए आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें। ये है चार कच्चे केले। इसे मैंने फ्रिज में 2-3 दिनों के लिए पैक करके रखा था, इसलिए इसके छिलके का कलर चेंज हो गया है। अंदर से केला बिल्कुल सही है। तो इस तरह चाकू की मदद से हम केलों को छील लेंगे, और आप चाहें तो इसे इस तरह हाथ से भी छील सकते हैं। इस तरह अंगूठे की मदद से भी हम इसे इजीली छील सकते हैं। जैसे इजी लगे आप इसे छील लेंगे। तो इसी तरह सारे केलों को हम कर लेंगे छील के तैयार। तो चलिए, केले छील के तैयार है, और अब हमने 1-1 इंच मोटा पीस इसका कट करना है, ना पतला ना ज़्यादा मोटा। तो चलिए, केले भी कट के तैयार हो चुके हैं, और पैन में मैंने लो फ्लेम पे 1 चम्मच देसी घी गर्म किया है। इसे हम घी को चारों तरफ पैन में अच्छे से फैला देंगे। आप चाहें सरसों का तेल या कोई वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसे रोस्ट करने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, और इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 1-1.5 मिनट तक हमें इसे पैन में इसी तरह रखना है, बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, और उसके बाद हम इसे ऊपर नीचे पलटेंगे। तो इस दोनों तरफ से ऐसे गोल्डन क्रिस्प होने तक इसे तैयार कर लेंगे। ये है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2-4 कलियां लहसुन और 1 हरी मिर्ची। इसे हम 1 चम्मच तेल में अच्छे से हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना है। साथ में ही हम डाल देंगे 2 टमाटर, और इसे भी हमने सॉफ्ट होने तक कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ढक के पका लूँगी। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते वो इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसकी जब हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें लहसुन प्याज की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। 1/2 कप कटोरी में मैंने गर्म दूध ले लिया है, 1 मुट्ठी मगज, तरबूज के बीज और 1 मुट्ठी जीरा काजू, और 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। इसे हम 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। और 1 कटोरी में 2 मुट्ठी मैंने मूंगफली ले ली है, इसे भी भिगो देंगे 2-3 घंटे के लिए। दोनों में से आपको एक चीज़ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन प्याज को आप स्किप कर सकते हैं जो लोग नहीं खाना चाहते। 3 घंटे बाद मूंगफली भी अच्छे से भीग चुकी है, और हमारा काजू और मगज भी अच्छे से भीग चुका है। ये हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, प्याज और टमाटर का। तो अब हम ले लेते हैं 1 मिक्सर जार, और उसमें डाल लेते हैं मगज और काजू। 1 मुट्ठी मूंगफली ली है मैंने, 1 बचा ली है, और साथ में डाल देंगे ये प्याज टमाटर का जो हमने तैयार किया है। और पैन से केलों को हम निकाल लेंगे। केले बहुत अच्छे से रोस्ट हुए हैं, बहुत अच्छा कलर भी आया है। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। इसे ग्राइंड कर लेंगे एकदम स्मूथ। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हुई है। तो आज की हमारी जो केले की रेसिपी बनने वाली है वाइट ग्रेवी में, पैन में डाल लेते हैं 1-2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, 1 चम्मच साबुत जीरे को अच्छे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी सी हींग डाली है मैंने इसमें, और जीरे का एक अच्छा सा कलर आएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 3 पत्ते छोटे छोटे लिए हैं मैंने, 2 डाले हैं, 1 लाल साबुत मिर्च, जावित्री का 1 टुकड़ा, दालचीनी 1 टुकड़ा, 2-3 लौंग और 1-2 हरी इलायची। उसे हम थोड़ा स्लिट कर लेंगे ताकि उसका अच्छे से फ्लेवर आए। इसे हम अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे। मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी जब स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हम डाल लेंगे जो हमने ग्रेवी तैयार की है। और जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी मैं वापस कर लेंगे। थोड़ी सी देगी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च। देगी मिर्च भी आप स्किप कर सकते हैं, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना उसे भी स्किप किया जा सकता है। जार में थोड़ा सा पानी डाल के वापस हम इसी में डाल देते हैं पैन में। और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी लगातार चलाते हुए भुनाई करेंगे, ताकि जो मूंगफली हमने यूज़ किया उसका कच्चापन निकल जाए। 2-3 मिनट भुनने के बाद 1/2 कटोरी के करीब हम डाल देंगे इसमें फ्रेश दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए,
और ये है फ्रेश मलाई, 2 बड़े चम्मच। दही खट्टा है तो आप क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। और इसे हम लगातार चलाते हुए दही को भी अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से कुक, 2-3 मिनट तक इसे भी अच्छे से कुक करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ग्रेवी तैयार हुई है। अब स्वादानुसार डाल लेते हैं इसमें नमक और लगातार चलाते रहना है हमें इसे, क्योंकि ग्रेवी जैसे जैसे थिक होती जाएगी इसके छींटे बाहर आते हैं। नमक चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा लगे तो हम इसमें फिर से ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूंगी, ग्रेवी थिक हो गई है तो हमें थोड़ी पतली करनी है। और थोड़ा सा डाल लेते हैं साथ में पानी, 1/2 कटोरी के करीब मैंने दूध डाला है और पानी, क्योंकि हमें इसमें केले डाल के भी पकाना है। अगर अभी ग्रेवी थिक होगी तो केले इसको अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्ची और 1/2 चम्मच गरम मसाला इसमें डाल लेते हैं। और ग्रेवी का अच्छा सा उबाल आ चुका है और अब हम इसमें अपने रोस्ट किए हुए केले डाल देंगे, क्योंकि अब हमें इसे केले के साथ भी पकाना है। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और ढक के लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे, ताकि केले में मसालों का और ग्रेवी का टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो चलिए इसे ढक देते हैं और बीच बीच में मैं चलाते भी रहूँगी। लगभग 5 या 7 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। और देखिए 7 मिनट के बाद हमारे रेसिपी तैयार है। केले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं और एकदम थिक ग्रेवी बनके तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये, देखिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसे सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।